नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज न्यूज चैनल। अब तक की बड़ी खबर। सिद्धार्थ नगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट से जगदम्बिका पाल ने चौथी बार जीत दर्ज की है। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा के कुशल तिवारी को करीब 44,000 वोटों से हराकर यहां के सांसद निर्वाचित हुए हैं। जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जीत जनता को समर्पित है। डुमरियागंज लोकसभा की जनता ने उन्हें धर्म जाट पात से ऊपर उठकर वोट किया है, इसके वह सदा रेडी रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश इसी तरह से मोदी जी के अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ेगा और वह जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे। बाइट जगदम्बिका पाल निर्वाचित सांसद भाजपा। चौथी बार आप सांसद चुने गए, क्या कहते हो? सिद्धार्थ नगर की महान जनता का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जब विपक्ष जातीयता, सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती का तांडव कर रहा था, ऐसी परिस्थितियों में भी सिद्धार्थ नगर की जनता ने उन सभी को नकारते हुए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझ में भरोसा किया, आज उस भरोसे की कसौटी पे यहाँ की जनता ने मुझे जिताने का काम किया है। तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता की जीत है और ये जीत मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। इस जिले के विकास के लिए, भविष्य में जिले के नौजवानों के रोजगार के लिए, भविष्य में यहाँ की जो महिलाएं हैं, हमारी जो गांव-गांव स्वयं सहायता समूह है, उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम कैसे स्वावलंबी बना सकें, कैसे उनको हम अपने पैरों पर खड़ा कर सकें, उनके द्वारा जो कुटीर उद्योग धंधे में जो उनके द्वारा उत्पादन हो रहा है उसको हम उसके लिए मार्केटिंग कर सकें, या इस जिले का जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट में प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काला नमक चावल है, उस काला नमक चावल को हम पूरी दुनिया में के मार्केट में पहुंचा सके, यहाँ के किसानों की आय दुगनी हो सके, यहाँ पे कुछ उद्योग धंधे लग सके और यहाँ के बुद्धिस्ट सर्किट को 4 लेन में मैं करा सकूँ, गोरखपुर से पीलीभीत, और यहाँ पे विपासना केंद्र जिससे पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग यहाँ आएँ, विपासना करें, यहाँ पे होटल बने, यहाँ पे लोग मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, तो उस गौतम बुद्ध के जन्मस्थली का भी विकास का एक संकल्प है। और आज जो मेरी जीत है इन्हीं सब पे मुहर है। नहीं तो जिस तरह से लोग कह रहे थे कि जगदम्बिका पाल 3 बार जीत चुके हैं, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जनता ने सिद्ध कर दिया कि अगर 5 वर्ष रात को 2 बजे मैं किसी के निमंत्रण में जा रहा हूँ, कहीं 12 बजे कहीं यज्ञ में, कथा में, रामलीला में जा रहा हूँ, किसी निकाह में, शादी में, किसी बर्थडे में, तो आज वो पूरी रात जो गांव की जनता है आज उसने आशीर्वाद दे करके फिर से मुझे वो जिम्मेदारी दे दी है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से अपनी उस सिद्धार्थनगर की महान जनता का धन्यवाद ज्ञापित कर सकूँ, कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूँ। मैं तो केवल उससे अभिभूत हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में मैं सिद्धार्थ नगर की सीट को जनता ने इतने बड़े तूफान में एक तरह से अपना माँ ने, धरती ने आंचल करके और मेरी हिफाजत किया और मुझे उस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने मुझ में भरोसा करके मुझको उम्मीदवार बनाया, पुनः निर्वाचित करके भेजा है। मैं निश्चित तौर से इस बात का संकल्प लेता हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 तक बनाना चाहते हैं और आने वाले दिनों में इसको 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था हो या हमारी महिला